तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन की गई शॉपिंग को हम कैंसिल कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग यदि आपने कर दी है, यदि आपको वह जो प्रोडक्ट है या फिर कोई वस्तु है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसे कैसे जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपली ही आप अपने मोबाइल फ़ोन पर चले जाइए और वहाँ पर फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर दीजिए। फ्लिपकार्ट पे आप जैसे ही ओपन कीजिए, कुछ आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस जो होता है नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पे थ्री जो लाइन है आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कई प्रकार के ऑप्शन नज़र आएंगे। आप इन ऑप्शन में से माई ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर माई ऑर्डर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ प्रोसेस होंगी, कुछ देर लोग वेट कर लेते हैं। प्रोसेस होने के लिए मान लीजिए कि मैंने सैंडिक्स अल्ट्रा 16 GB को ऑनलाइन बुक किया था, यह मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मैं कैंसिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसिल ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कैंसिल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे यह रीज़न फॉर कैंसिल, रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीज़न अर्थात कारण पूछ रहा है कि आप मतलब ये जो खरीदे हैं इसको कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मार्जिन इज नॉट लिस्टेड ऑर्डर प्लेस्ड बाई मिस्टेक, आप मैं यहाँ से लास्ट वाला क्लिक कर देता हूँ कि मैंने जो ऑर्डर किया हुआ मेरे गलती से हो गई है। तो लास्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद से कन्फर्म कैंसिल पे आप क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म कैंसिल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको मैसेज वो मिल जाएगा, कैंसिल है कन्फर्म्ड। अब ये पूछ रहा है कैंसिल जो है कन्फर्म हो गया, तो आप जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए, यह जो आपका कैंसिल जो है कन्फर्म ऑर्डर आपने किया था, और यहाँ जो आज ही मैंने ऑर्डर किया था इसको, और आज ही मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप जान गए होंगे कि कैंसिल कैसे करते हैं।